नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे डी मार्ट के बारे में। इस स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन 4.5% 5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। इस कंपनी दोस्तों आखिरी क्षण तक अपने को गिरावट ही देखने को मिली है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक को जो है कि टॉप पर बाइंग करके फंसे हैं। देखा जाए तो इस स्टॉक में अभी रिसेंट में जो ब्रेकिंग न्यूज़ चली दोस्तों कि इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। कंपनी के दोस्तों अपडेट देखने को मिले जिसको भी मैं कवर करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं टॉप पे बाइंग करके, उससे रिलेटेड बात करेंगे। और कंपनी में और भी गिरावट होगी या नहीं होगी दोस्तों, अभी उनको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा। चलिए मैं स्टॉक के ऊपर आ जाएंगे, एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो आज के दिन 4.5% के ऊपर कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। और शुरू से ही दोस्तों इस स्टॉक में प्रेशर और आखिरी क्षण तक आपको प्रेशर ही देखने को मिलेगा। मतलब देखा जाए तो ये स्टॉक 3500 के लेवल को भी तोड़ दिया है। और भी गिरावट होगी दोस्तों, जो इस समय के माहौल के हिसाब से आपसे बताना चाहते हैं। कंपनी के क्या हुआ दोस्तों, क्वार्टरली अपडेट देखने को मिलते हैं, हर कंपनियों को देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में जो क्वार्टरली रिजल्ट है दोस्तों उसके कारण देखा जाए तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, जिससे रिलेटेड भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ भी देखेंगे दोस्तों तो आपको वही देखने को मिलेगा, डी मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट फ्रॉम ऑपरेशन अप 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों, जो कि 18 मोर स्टोर और कंपनी ने जो है कि ऐड किए हैं Q4 में, जिसको कंपनी ने बताया है। चलिए ये तो पॉजिटिव साइन है। अपडेट भी देखा दोस्तों तो कंपनी के 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कि जंप है, ये भी जो है कि पॉजिटिव साइन है। दोस्तों देखिए कंपनी का अपडेट जितना भी था अच्छा ही था, बहुत गलत नहीं था, लेकिन दोस्तों ये थोड़ी बड़ी कंपनी है। इसकी बड़ी होने का मतलब क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। एवेन्यू सुपरमार्ट विच ऑपरेट द रिटेल चेन डी मार्ट ऑन अप्रैल 5 अप्रैल को जो रिपोर्टेड किया था स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10,337 करोड़ इन द क्वार्टर एंड मार्च 31, 2023 को, अब 20% फ्रॉम 8,606 करोड़ अगले साल था दोस्तों। और इस बार की बात करें तो 10,337 करोड़। तो देखा दोस्तों तो जो रिटेस्टर इस स्टॉक में सोच रहे कि हम फंस गए और भी गिरावट होगी, देखिए दोस्तों गिरावट होगी, मार्केट है यहाँ पे जो है कि अप्स एंड डाउन चलेंगे, लेकिन हाँ कंपनी का बिजनेस जो है दोस्तों वो अच्छा है, ग्रोइंग मोड में है, इसको थोड़ा सा आप नोट करके चल सकते हैं। मीनवाइल शेयर ऑफ डी मार्ट ऑन 5 अप्रैल क्लोज 2.8% हायर द 3,654 रुपये कंपनी ने हाई लगाया था BSE पे, जो कि फॉर द ईयर 10% डी मार्ट स्क्रिप्ट हिट 52 बिग हाई 4,606 रुपये का, जो कि 52 बिग हाई कंपनी रिसेंट में ही लगाया था। एक्चुअल में ये कंपनी 5,500 के ऊपर है। एडिशनल द टोटल नंबर्स ऑफ स्टोर कंपनी जो है कि 31 मार्च 2023 तक 354 एवेन्यू सुपरमार्ट स्टोर जो है कि ऐड किया है। एक्सचेंज फाइल में कंपनी ने बताया है नियरली 6% इंक्रीज किया है, जो कि दिसंबर एंड नंबर में गिरावट हुई दोस्तों, जो इसमें रिपोर्ट हुआ है लगभग देखा जाए तो 6.6% का जो राइस किया है, इसी के कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। जो कि अगले साल देखा जाए तो कितना था, अगले क्वार्टर में या अगले ईयर्स की बात करें तो 553 करोड़ था, और इस बार की बात करें तो 590 करोड़, मतलब जो कि 6% का जंप देखने को मिला, 7% का इसी के कारण अपने को गिरावट देखने को मिली है। टोटल रेवेन्यू ऑफ अक्टूबर दिसंबर जो कि क्वार्टर शूट 11,569 करोड़ एज कंपेयर टू 9,218, मतलब देखा जाए तो अभी तक कंपनी के परफॉर्मेंस खराब नहीं है दोस्तों, बस जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों वो थोड़े से क्या है कि मार्केट के एस्टिमेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट साइड इन द स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग ऑन जनवरी इंडिकेट ए ग्रोथ ऑफ 25% दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी में ग्रोथ है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन इविडा जो है कंपनी का क्वार्टरली 3 का फाइनेंशियल ईयर 23 में कम इन द 565 करोड़ अगेंस्ट 866, मतलब देखा जाए तो अभी तक सभी जगह से अपने को जो है कि तेजी ही देखने को मिल रही है। हालांकि इसी बीच में बताना चाहता है कि जो ब्रोकर्स के टारगेट होते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कि ट्रेंडनी है उसने जो है कि 4,107 रुपये का इस कंपनी का टारगेट प्राइस दे दिया। करंट प्राइस से देखेंगे तो 12-13% का जंप देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इसी में कुछ न्यूज़ और है जैसा कि आप देख सकते हैं, बट सिटी स्टिक्स टू सेल शेयर फॉल, मतलब और भी गिरावट देखने को मिलेगी। जैसा कि अगर सिटी की बात करते हैं तो इन्होंने 3,460 रुपये का टारगेट दे दिया है, जो कि देखा जाए तो उसके ही आसपास ये स्टॉक चल रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर है और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब नीचे, मतलब देखा जाए तो कल के दिन तो मार्केट बंद है, लेकिन मंडे के दिन हो सकता है कि जो कि इनके टारगेट को अचीव कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3,460 रुपये का शेयर का टारगेट आ सकता है। ऐसे में कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी है दोस्तों, जो कि अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो उन्होंने 3,853 रुपये का टारगेट रखा है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं और कुछ इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को जो है कि अवॉइड या बाइंग करने की बात कर रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों अभी देखा जाए तो आज के दिन स्टॉक में गिरावट हुई तो नेगेटिव अपने को देखने को मिला है, तो ऐसे में वैल्यूम भी अच्छा खासा बना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे आज के दिन 4.5% कंपनी में गिरावट हुई है और कंपनी 4,609 रुपये का 52 बिग हाई 2 सितंबर 2022 को लगाया था। लो की बात करते 3,186 रुपये
ये भी 2022 में है, 16 मई 2022 का ही है। अगर हम आज के दिन की वैल्यूम की बात करते हैं तो इस स्टॉक में देखा जाए तो लगभग 7 लाख ओनली NSE पे टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, और एवरेज बात करते हैं दोस्तों तो लगभग 50% माल डिलीवरी में उठाया जाता है ओनली NSE में। कल के दिन ही अपडेट देखने को मिले, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 अप्रैल ही देखने को मिलेगा, 7 बजे 7:15 बजे के आसपास जो है कंपनी ने अपडेट दिया, जिसके कारण दिखा है तो आज के दिन गिरावट देखने को मिली है, 4.5% कंपनी में गिरावट देखने को मिली। और आज के दिन इस स्टॉक में हाई वैल्यूम भी बना है, लगभग 9 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, 9 लाख 11 हज़ार के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करते हैं 50% के आसपास एवरेज आप पकड़ सकते हैं। और हाँ, इस स्टॉक में दोस्तों जो रिटेस्टर फंसे हैं, सबसे पहले आपसे बताना चाहता हूं कि ये स्टॉक में दोस्तों देखिए गिरावट तो होना ही था, जैसा कि देखा दोस्तों तो कंपनी के रिजल्ट या अपडेट जो है कि ख़राब नहीं है, अभी रिजल्ट तो आने बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से कंपनी जो अपडेट दिया है देखा है तो ख़राब नहीं है दोस्तों, सब में जो है कि जंप भी देखने को मिल रही। और गिरावट क्यों हुई दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे तो 6 दिन से आपको स्टॉक जो है कि हरे निशान में, माफ़ करना, 5 दिन से जो है कि स्टॉक हरे निशान में था, लगभग देखा है तो ये कंपनी 10% 12% का रिटर्न बना के दे दिया था, जो कि देखा है तो यहाँ से यहाँ तक अभी आज तो गिरावट होनी ही थी। ऐसे में जो रिटेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं या बाइंग करने से कतरा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं इस स्टॉक में माल भी अच्छा खासा, लगभग हर बार 70% 50% के आसपास ही माल डिलीवरी में उठाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते 60 62 69 68 70 के आसपास, यहाँ पे 49 51 66, मतलब दोस्तों बता दें कि इसमें एक अच्छा खासा वैल्यूम तो नहीं बनता कर सकते, लेकिन जो डिलीवरी परसेंटेज है दोस्तों एक अच्छा खासा माल उठाया जाता है। यहाँ पे भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो एवेन्यू सुपरमार्ट डीप जो कि 3% प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, Q4 का जो कि अपडेट था, बिजनेस अपडेट था, उसको कंपनी ने पोस्ट करते ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर डीमार्ट की बात करते हैं तो मतलब सब न्यूज़ आपको वही देखने को मिलेगा, लगभग जो कि हमने आपसे बताया कि सिटी का जो टारगेट प्राइस है, रेटिंग है 3460 रुपये, उसी के आसपास ये कंपनी गई हुई है। अगर यहाँ पे 5 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो वही जो है कि Q4 के अपडेट से रिलेटेड ही न्यूज़ देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों कुछ ऐसे भी ब्रोकर्स हैं, जैसे में अगर हम प्रभुदास लीलाधर की बात करते हैं तो इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 4600 4700 रुपये के आसपास रखा है, जो कि करंट प्राइस से लगभग 35% के आसपास है। ऐसे में यहाँ पे भी देखें दोस्तों जो कि गोगोजी PNB परिभाषा है दोस्तों, उन्होंने 4400 4500 रुपये, मतलब देखा जाए तो जो टारगेट प्राइस है इस स्टॉक का 4000 के ऊपर ही बहुत सारे ब्रोकर्स ने रखते हुए दिखे हैं। मतलब हाँ, ऐसे में अगर HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो इन्होंने जो है कि 3000 का टारगेट प्राइस रखा था, लगभग 14% डाउन दिया था 16 जनवरी 2023 को, देखा जाए तो उस पर ये स्टॉक अभी तक आया नहीं है। एवेन्यू सुपरमार्ट में अभी अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जिन रिटेलर के पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो कंटिन्यू होल्ड करके चल सकते हैं। जो रिटेलर अभी रिसेंट में इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, बाइंग करने के लिए अवॉइड कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप अगर इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 4% का रिटर्न बना के दे रही है। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि रिसेंट में 5 दिन के चार्ट को भी देखेंगे तो ये कंपनी लगभग 10 से 12% का रिटर्न बना के दे दिया था, तो जिसके कारण दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी की जैसे ही अपडेट आए तो स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो ब्रोकर्स के लिए, मतलब ट्रेडर्स, माफ करना, ट्रेडर्स के लिए दोस्तों बता देते कि 5% 10% दिन का भी मिल गया, 3% भी वो लोग काम करते हैं। अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने में आपको 3% की तेजी देखने को मिलेगी, 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में स्टॉक 22% डाउन है, 1 साल की बात करें तो 1 साल में 16% डाउन है। यहाँ पे 5 साल का चार्ट देखेंगे दोस्तों तो कंपनी आज भी जो है कि पैसे को डबल करके ही बैठी, 140% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी 465% का 24 मार्च 2017 में कंपनी लिस्ट होती है और अभी तक देखा है तो 450% का रिटर्न बना के दिया है, कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। हाँ, ये स्टॉक दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी तक इसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट बना है, आपसे बताना चाहते हैं कि 3100 रुपये इसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट बना है वही 3100 रुपये है, उस लेवल को तो अभी तक कंपनी ने तोड़ा नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको यही जो कि आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद आने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। जो रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से देखिए अगर ब्रोकर्स ने टारगेट दे भी दिया है तो इसी के आसपास ये कंपनी चल रही है, और भी गिरावट होती है कंपनी के रिजल्ट, मान लीजिए देखा जो अपडेट देखने को मिला है उसके कारण हो सकता है कि रिजल्ट थोड़े से मतलब मार्केट के एस्टिमेशन को बीट न करे तो भी देखा जाए तो स्टॉक में गिरावट होती है, ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 3200 के आसपास आ सकता है। लेकिन हाँ, हायर साइड की बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी के रिजल्ट कैसे भी आए मेरे पॉइंट से देखा जाए तो ये स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है आने वाले समय में। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।